आपका मेजबान अर्शद शरीफ। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहां पे कभी भी खबरों की कमी नहीं होती, और जब आज मैं प्रोग्राम आपके लिए बना रहा था, मैं सोचा कि कौन से मौजू पे आपसे बात की जाए। फिर मैंने ये सोचा कि आपको आने वाले हफ्ते की कुछ खबरें बताई जाएं जिसमें बहुत बड़े बड़े विजिट्स हो रहे हैं। हमारी फॉरेन मिनिस्टर हिना रब्बानी खर साहिबा और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अशफाक परवेज कियानी साहब ब्रसल्स का दौरा करेंगे, वहां पे अफगानिस्तान की सूरत हाल पे बातचीत करेंगे। इसके साथ साथ अगले ही हफ्ते सदर आसिफ अली जरदारी साहब चौथी दफा फ्रांस का दौरा करेंगे। जी हाँ, इस दफा शायद वो अपनी जाती प्रॉपर्टी का दौरा ना करें। मलाला यूसुफजई के हवाले से यूनाइटेड नेशंस एक तकरीब कर रहा है पेरिस में, उसमें जाएंगे, लेकिन ये किसको पता कि वहां से अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी का भी वो दौरा करते हैं या नहीं करते। साथ साथ बात चल रही है कराची के हालात की। एमक्यूएम के सरबरा अल्ताफ हुसैन साहब ने कहा कि फौज को एक दफा फिर एमक्यूएम के खिलाफ इस्तेमाल करने की साजिश की जा रही है, पाकिस्तान में जुडिशियल मार्शल लॉ लगाया जा रहा है। और अल्ताफ हुसैन साहब ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज एमक्यूएम के नाम मिटाने में शरीक हैं और कराची में फसादात के लिए एक नई साजिश तैयार कर ली गई है। ये एमक्यूएम के सरबराह अल्ताफ हुसैन साहब ने आज ही फरमाया। इसकी क्या वजह और आने वाले हालात कराची में कैसे होंगे अगले साल, खासतौर पर जनवरी के महीने के लिए कुछ खौफनाक किस्म की प्रिडिक्शंस आ रही हैं, कुछ लिमिटेड स्केल्स पे ऑपरेशंस की भी बात चल रही है, और जब अल्ताफ हुसैन साहब फौज के इस्तेमाल की बात करते हैं तो कौमी असेंबली की कई रेजोल्यूशंस भी हमारे सामने हैं जिस पे एमक्यूएम ने खुद वोट किया था उन रेजोल्यूशंस को कि कराची में अक्रॉस द बोर्ड और पूरे मुल्क में डी वेपनाइजेशन कैंपेन हो, लॉ ऑर्डर मेंटेन करने की तमाम कोशिशों को वो बैकअप भी करेंगे। इसके साथ साथ डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, नई हल्का बनियों की बात है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कहने पर कराची के लिए हिदायत है। हमारे पार्लियामेंटेरियंस की दोहरी शहरियत का भी इशू है। इतनी सारी खबरें हैं आपके लिए और इन सारे मसाइल का डायरेक्ट असर आपके ऊपर भी होता है, लेकिन सबसे पहले मैं रोजनामा दुनिया की एक खबर के हवाले से आपको बताना चाहूंगा कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की 2012 में जो रिपोर्ट, उनकी फाइंडिंग्स आई हैं, हमारे रोजनामा दुनिया ने उसको ये चीजें उसके बारे में बताई हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक 1200 खवातीन पाकिस्तान में सिर्फ 2012 में कत्ल हुई। इनमें से गैरत के नाम पे 636 खवातीन को कत्ल किया गया। पाकिस्तान में इसी साल 70,000 बच्चे आवारा हुए और ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक इनमें से कई बच्चे दहशतगर्दों के हत्थे भी चढ़े। सवात में 131 लड़कियों के स्कूल बंद हुए और सिर्फ सवात में ही तालिबात की तादाद 1,20,000 से कम होकर सिर्फ 40,000 रह गई। इस तरह सवात में 80,000 तालिबात तालीम से महरूम हुई। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक इस साल पाकिस्तान में खुदकश हमलों की तादाद 66 रही। गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी बसर करने वाले अफराद की तादाद 24% से बढ़कर 36% हो गई। हमारे ही मुल्क में तकरीबन 10.5 लाख बेघर अफराद मौजूद हैं, जिनमें से 6 लाख का ताल्लुक फाटा से है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक गुर्बत में इजाफे से तंग आकर खुदकुशी करने वालों की तादाद 2500 तक पहुंच गई। ये ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वो रिपोर्ट है जो आज रोजनामा दुनिया में शाया हुई, और हमारे साथ ज़ोरा यूसुफ साहिबा, चेयरपर्सन ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, फोन लाइन पे मौजूद है। ज़ोरा यूसुफ साहिबा, ये आपकी रिपोर्ट मंजर आम पे कब आ रही है, कब आप इस रिपोर्ट को पब्लिक कर रही हैं? जी, ये हमारी रिपोर्ट साल के शुरू में फरवरी या मार्च में मुकम्मल तौर पे कंपाइल होकर पेश होगी। आपके पास जो डेटा आया है वो हमारे मुख्तलिफ दफ्तरों से, मुख्तलिफ सोर्सेज से जो हमने कंपाइल किया है, मगर तफसीली रिपोर्ट साल के शुरू में। अच्छा, जो अभी तक तादाद हमारे सामने आ रही है कि पाकिस्तान में 2012 की आपकी जो रिपोर्ट कंपाइल हो रही है कि 1200 खवातीन कत्ल कर दी गई जिसमें 636 गैरत के नाम पे कत्ल हुई, ये ट्रेंड पिछले सालों के निस्बत से बढ़ रहा है? नहीं, बढ़ तो नहीं रहा है। तकरीबन अगर आप 211 की रिपोर्ट भी देखें तो तकरीबन 650-700 के दरमियान फिगर था, तो बढ़ तो नहीं रही है। मगर ये है कि कानून में रिफॉर्म के बावजूद कमी भी नहीं आ रही है, और गैरत के नाम पर औरतों के कत्ल को रोका नहीं जा रहा है।
अच्छा, आपने इसी रिपोर्ट में जिक्र किया है कि खुदकुशी करने वालों की तादाद 2500 रही 2012 की रिपोर्ट के मुताबिक। इस फिगर के बारे में क्या कहेंगी, क्या वजह है कि लोग इतने गुर्बत से तंग आए हुए, कहां पे फॉल्ट लाया करता है, किस वजह से ये लोग उस साइड पे जा रहे हैं, खुदकुशी करते हैं, अपनी ही जिंदगी खत्म करते हैं, ब्लेम आपने कहां पे प्लेस किया इसका? देखिए, सबसे बड़ी वजह जो है, जो जैसा आपने कहा, वो गुर्बत है। लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, इकोनॉमी की जो सूरत हाल है उससे आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी रुकी हुई है, उसके बहुत से वजूहात हैं। मगर जो ये बॉटम लाइन वो यही है कि नौकरियां नहीं मिल रही है, गुर्बत बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, और जिसकी वजह से लोग बिल्कुल एक बेबसी के हालत में। अच्छा जरा यूसुफ साहिबा, मेरे सामने आपकी इसी रिपोर्ट में एक फिगर आई है कि पाकिस्तान में तकरीबन 70,000 बच्चे आवारा हुए और कई दहशतगर्दों के हत्थे भी चढ़ गए। जी, काफी शॉकिंग फिगर्स नहीं है ये आपकी? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो बच्चे जो इस तरह से घर छोड़कर चले जाते हैं, उनका कोई पूछने वाला नहीं होता है। वो हम सब देखते हैं, सड़कों पे नजर आते हैं, और उसमें बहुत सारे ऐसे भी हैं जो जिनके वालदैन मदरसे में भेज देते हैं और मदरसों के जरिए वो फिर पहुंच जाते हैं फाटा और इलाकों में, जहाँ पे बराबर उनको ट्रेनिंग दे दी जाती है खुदकश हमले करने की। और क्योंकि ये, और देख रहे हैं कि जो सुसाइड हमला करते हैं उनकी उम्र गिरती जा रही है। पहले वो 20 साल के ऊपर होते थे लड़के, फिर और उनकी उम्र कम हुई, अब देख रहे हैं कि और भी कम उम्र, 13 से 15 साल के बच्चों को ये जिम्मेदारी दी जा रही है और उनकी जान ली जा रही है और साथ में और लोगों की। ज़ोरा यूसुफ साहिबा, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मैं आपको अपना पैनल इंट्रोड्यूस करवाता चलूं। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज सिंह का ताल्लुक है। हमारे साथ डिफेंस सिक्योरिटी एनालिस्ट और इंटेलेक्चुअल इम्तियाज गुल साहब मौजूद हैं, किताबें भी लिख चुके हैं सिक्योरिटी इश्यूज पे। सलमान अकरम राजा, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हमें फोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं। और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर सिंध शर्जील मेमन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। यहाँ पे नाज़रीन हम एक वक्फा लेते हैं और बहुत अहम मौजूदात पे आपके साथ बात करेंगे एक वक्फे के बाद। जब भी दिन का आगाज होता है, जो सबसे पहली ब्रेकिंग न्यूज़ हमें मिलती है वो अक्सर अदालत उज़्मा से मिलती है। अदालत उज़्मा में हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट मोहम्मद कामरान वहाँ पे होते हैं। इन्होंने एक खबर सबसे पहले दी थी और उस खबर का इम्पैक्ट डायरेक्ट वज़ीर आज़म पे हुआ था, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और एग्जीक्यूटिव के दरमियान जो चपकलिश चली उसको ये बहुत अच्छी तरह कवर करते रहे। जो इन्होंने रिपोर्ट फाइल की, आइए वो दिखाते हैं आपको। कम से कम 5 साल के लिए वो नाअहल हो रहे हैं, और इसके अलावा मैं बताता चलूं कि उनकी जो ये नाअहली है ये 26 अप्रैल से तस्वर की जाएगी, क्योंकि वजीर आजम जो थे वो 26 अप्रैल 2012 के बाद वजीर आजम नहीं रहे थे, कि इस फैसले के तनाजुर में न सिर्फ वजीर आजम बल्कि उनकी जितनी भी काबीना थी वो भी डिसॉल्व हो गई है। जी कामरान साहब, आपके बारे में अक्सर लोग कहते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर्स थोड़ा सा सुकून रखें तो मुल्क के हालात काफ़ी बेहतर होंगे। कितना चैलेंजिंग होता है आपके लिए रिपोर्ट करना सुप्रीम कोर्ट से, और इस इल्ज़ाम को कैसे देखते हैं? देखिए अर्शद साहब, पहली बात यह है कि आपने कहा कि कामरान की एक रिपोर्ट थी जिसका बड़ा रिपोर्ट, तो आप बहुत सारी करते हैं बहुत सारी, लेकिन ये वो रिपोर्ट थी जिसका डायरेक्ट असर वजीर उस वक्त के वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी पर, और सबसे पहले आपने ब्रेक की। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये वो वक्त था जब टेंशन चल रही थी, वजीर आजम की नाअहली वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में था,
राय आ रही थी कि वो अनाइल हैं नहीं हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट में था और एक कौम में एक हिजानी कैफियत थी, तो ये एक बहुत बड़ी खबर निकलनी थी। सबको पता था कि ये खबर निकलेगी सुप्रीम कोर्ट से, और जिस तरह से बाकी मीडिया में हमारे कोलीग्स जो हैं वो दौड़ में इसमें लगे होते हैं कि ये बड़ी खबर सबसे पहले उनके चैनल पे चले, वज़ीर आज़म की नाहली बहुत बड़ी खबर है, न सिर्फ नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे। तो उन सबको हमने बीट किया। ये मतलब आई बहुत चैलेंजिंग होता होगा कि 50 टीवी चैनल्स, उनके रिपोर्टर्स, डीएसएनजी सारे वहां पे खड़े हैं और दौड़ लगी हुई है, कितना मुश्किल होता जी है। बिल्कुल, उन 50 लोग अगर वहां हैं तो हर बंदे की ये ख्वाहिश है कि वो अपने चैनल के लिए सबसे पहले ये बड़ी खबर जो है रन करे। और आपने चूंकि सिर्फ इसी खबर को कोट किया है इसलिए मैं भी इसी खबर के हवाले से कहूंगा कि सबसे पहले ये हमने खबर की हमने सिर्फ ये बल्कि बहुत सी और भी आप कहते हैं जो इल्जाम लगता है सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर्स पे कि पूरी कौम के लिए अजाब खड़ा किया होता है, और दूसरी तरफ ये भी जर्नलिस्ट ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ना हो तो सुबह सुबह खबर हमें कहीं से नहीं मिलेगी। जी बजा फरमाया। देखिए चीफ साहब की मैं बात करूं, उन्हीं को सुबह उन्हीं के दरबार में जाते हैं और जब तक वहां वो नहीं दरबार खत्म करते हम भी वहीं पे उन्हीं के दरबार में हाजिर रहते हैं, और इसलिए उनके मुतालिक कहा जाता है कि उन्हें ना नींद आती है और ना ही वो भूख लगती है, दिन रात तो भूख लगती है, दिन रात तो चीफ जस्टिस साहब काम करते हैं कौम को इंसाफ देने भी लगती है, हमें नींद भी आती है भूख भी लगती है, लेकिन इसके बावजूद उनका जो पैटर्न है उनका जो स्केड्यूल होता है वो कितने घंटे काम करते हैं चीफ जस्टिस साहब। चीफ जस्टिस साहब तो सुनाए कि रात गए, मतलब है वो ही इज़ बर्निंग मिडनाइट ऑयल, वो तो रात गए तक काम करते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट ये होता है कि अक्सर हमें भी वहाँ से फ़ोन आते हैं सुप्रीम कोर्ट से और वो हमें रात को भी उठाया जाता है। बहुत सी खबरें आपकी नॉलेज में हैं जो मैंने भी आपको कम्युनिकेट किया कि जी ये डेवलपमेंट होगी या सुबह ये हो रहा है, तो यानी कि ये अगर राउंड द क्लॉक कह लें तो मतलब वी हैव टू बी अलर्ट। यू आर डूइंग अ वेरी सेंसिटिव एंड गुड जॉब, थैंक यू कामरान साहब। नाज़रीन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको डेस्क पे होते हैं बैठे होते हैं आपको नज़र नहीं आते, ये वो लोग होते हैं जो कि कामरान और जो हमारी बाकी रिपोर्टिंग टीम है उनकी खबरों को आप तक लेके आते हैं, जो ब्रेकिंग टिकर्स चल रहे होते हैं वो लेके आते हैं। हमारे साथ तसव्वुर साहब मौजूद हैं, हमारे असाइनमेंट डेस्क पे होते हैं। तसव्वुर साहब, रिपोर्टर्स के साथ मसाइल क्या आते हैं? क्या सवाल कर दिया सर, रिपोर्टर के साथ तो बहुत मसाइल हैं, हमें हर एक को खुश रखना होता है जो हम रख नहीं पाते। खुश कैसे रखते हैं? खुश ऐसे रखना है कि बाज़ औक़ात क्योंकि न्यूज़ का काम ऐसे होता है कि इसमें बहुत बर्डन होता है, रिपोर्टर अगर एक इवेंट कवर करके आया है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने नेक्स्ट इवेंट भी कवर करवाना है, तो सो हम उस रिपोर्टर को अगर दोबारा कहें तो वो उसके लिए और हमारे लिए भी प्रॉब्लम है, हमने उससे कवर करवाना है, उसकी नाराज़गी बाज़ औक़ात हमें फेस करनी पड़ती है। और जब रिपोर्टर का टिकट लेट हो जाए फिर क्या होता है? रिपोर्टर का टिकट लेट हो, खैर ये टिकट तो लेट होना हम सब की बहुत उस पर बहुत डांट होती है। चलाने में आप लेट हो जाए, रिपोर्टर तो टाइम पर फाइल करते हैं सारे। नो सर, ये ऐसी बात नहीं। ये तो सीधा सीधा हम पे ब्लेम है, हमारी तो कोशिश होती है, बल्कि कुछ होते हैं जिनके साथ बहुत रिलैक्स करते हैं रिपोर्टर्स, और शायद मैं उनमें से एक हूं जिनके साथ रिपोर्टर रिलैक्स फील करते हैं, और मैं कोशिश करता हूं कि मैं जल्द से जल्द टिकर फाइल करूं, और हमारी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमने एक लंबे टिकर को उसको अपना उसको थोड़ा सा मोल्ड करके छोटा भी करना होता है और उसका मतलब भी रखना होता है। सर साहब कितना मुश्किल काम है कि एक इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है लैंड कर रही है उसको आपने इस काबिल बनाना है कि वो ऑन एयर जाए स्क्रीन के ऊपर नजर आए ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर? सर बहुत मुश्किल काम है, वैसे तो दुनिया में कोई काम भी मुश्किल नहीं है, लेकिन यह है कि न्यूज में बहुत न्यूज डेस्क का काम बहुत हेक्टिक होता है, हमें बहुत सारी चीजें बैक वक्त करनी पड़ती हैं, हमारा काम मॉनिटरिंग भी है, हमारा काम टिकर्स लेना भी है, उसके साथ साथ हमने टिकर्स को छोटा भी करना है, उसके साथ साथ हमने कोऑर्डिनेशन भी करनी है, सो कभी ब्रेकिंग टिकर्स आ जाते हैं हमने उसकी प्रायोरिटीज भी रखनी होती हैं, और मैं आपको बताऊं कि मैं कभी कभी तो हमारा दिल करता है कि अल्लाह मियां हमें तीन कान दे देता तो ज्यादा खुशी होती, क्योंकि हम दो कानों से तो वो अपनी वो दो कामों से भी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर साहब। हज़रीन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो सपोर्ट सिस्टम सारे प्रोवाइड करते हैं जिनकी वजह से खबरें आप तक पहुंचती हैं, हमारे साथ फारूक साहब मौजूद हैं, हमारे मैनेजर आईटी हैं। फारूक साहब अक्सर लोगों को ये शायद समझ नहीं आती कि आईटी का एक बड़ा अहम किरदार है, और सिस्टम अगर डाउन हो जाए तो टिकर भी नहीं चल सकता खबर भी नहीं चल सकती, ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर मैं सिंपली कहूँ कि आईटी का जो रोल है, जिस तरह हॉस्पिटल के अंदर एक टीचिंग स्टाफ होता है, नर्सिंग स्टाफ होता है कि जिसको जो भी हॉस्पिटल के अंदर प्रॉब्लम आती है वो दौड़ा जाता है नर्सिंग
स्टाफ के पास और वहाँ से अपनी प्रॉब्लम का सलूशन लेता है। सो इसी तरह ब्यूरो के अंदर मेरा ख्याल किसी भी डिपार्टमेंट में जब कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले वो आईटी वालों के पास आते हैं और ये समझते हैं कि शायद आईटी वालों के पास हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सलूशन मौजूद होता है। फारूक साहब, 4 साल में आपने आईटी में ऐसा कौन सा कारनामा अंजाम दिया है जिससे लोग कहें कि हाँ इससे कोई तब्दीली आई है, चेंज आई है, पूरी टेलीविजन इंडस्ट्री में कोई चेंज आई है? वैसे तो बहुत सारे कारनामे हैं। सबसे पहला हमारा, मेरे ख्याल में सबसे पहला हमारा चैनल है जिसने लाइव स्ट्रीमिंग का कंसेप्ट दिया। तो जैसे ही हमारा ये चैनल ऑन एयर हुआ था आज से 4 साल पहले, उसके बाद हमारे तमाम करंट अफेयर के प्रोग्राम्स, हमारे न्यूज़, बल्कि 24 आवर हमारी जो ट्रांसमिशन है वो वेब के ऊपर लाइव ट्रांसमिशन की सूरत में अवेलेबल थी। फारूक साहब, सुना है आप PhD भी कर रहे हैं, किस क्या है आपका बेसिक थीसिस? जी, PhD में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में कर रहा हूँ और जो मेरा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में जी, और जो मेरा आप तो काफ़ी खतरनाक आदमी है जी, और जो मेरा आप ये भी देखते हैं कि कौन कंप्यूटर पर क्या कर रहे हैं किस वक्त? जी बिल्कुल, सारे का सारा जो ये तो सबके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि फारूक साहब सबके कंप्यूटर देख रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पे हम एक वफ़ा लेंगे और वफ़े के बाद वापस आके आपको कुछ और इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स भी दिखाएंगे और वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ साहब ने कुछ अहम मौजूदात पे कुछ गुफ्तगू की दुनिया न्यूज़ के साथ एक्सक्लूसिवली, वो भी आपको बताएंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे डिस्टिंग्विश पैनल ने 3 बड़े बुनियादी किस्म के टॉपिक्स आइडेंटिफाई किए हैं, सवाल उठाए हैं जो पाकिस्तान के बुनियादी मसाइल हैं। और शर्जील मेमन साहब ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर और दहशतगर्दी सबसे बड़ा मसला है। शर्जील मेमन साहब, अगर आपकी इत्तेहादी जमात को देखा जाए तो वो कहते हैं कि MQM को ख़त्म करने के लिए फ़ौज को इस्तेमाल किया जा रहा है, कराची में फसादात के लिए साजिश तैयार की गई है और अब MQM को नाम मिटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज भी शायद उसमें शरीक हो रहे हैं। हुकूमत आपकी है या आप जो एक्शन की बात कर रहे हैं, लिमिटेड रेंजर्स को भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये MQM के खिलाफ आप दहशतगर्दी का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, पहली बात, जो MQM के स्टेटमेंट्स हैं उनका तो राय वही देंगे और वही उस पर तबसरा करेंगे, लेकिन जहां तक जो मेजर इशू जजेस का आपने भी बात की, उसमें ये तो हकीकत है कि जो आज जो इशू है, जो डिस्कस हुआ है डीलिमिटेशन का, डीलिमिटेशन पूरे पाकिस्तान में होनी चाहिए और आफ्टर सेंसस होनी चाहिए, क्योंकि हमारा कानून भी ये कहता है कि सेंसस के बाद ही डीलिमिटेशन होती है और जैसे ही आप सेंसस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद पूरे पाकिस्तान में डीलिमिटेशन भी हुआ है तो वो होनी चाहिए, लेकिन किसी एक शहर पर किसी एक जगह पर डीलिमिटेशन करना मेरे ख्याल से ये चीज़ मुनासिब नहीं है। तो इस पे आप एजिटेट कैसे करेंगे, कोई अपील फाइल करेंगे, कोई रिव्यू फाइल करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, क्या करेंगे? नहीं, मेरे ख्याल से ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो 2011 में कराची बदलनी केस पे जो फैसला आया था उसमें जिस तरह डीलिमिटेशन कहा गया था उसमें ये लिखा था कि डीलिमिटेशन कराची में की जाए अकॉर्डिंग टू लॉ। अब सलमान अकबर अकरम राजा साहब आपके पास इस पर डिस्कशन में मौजूद है, वो भी इसमें ज्यादा रोशनी डालेंगे कि डीलिमिटेशन एक तो जब भी होनी है पूरे पाकिस्तान में होनी है, किसी एक शहर में नहीं होगी। दूसरी बात यह कि जब भी डीलिमिटेशन होगी उसके बाद ही सेंसस, उससे पहले सेंसस होना वो बहुत ज्यादा लाजमी है, सेंसस के बाद ये प्रोसीजर, और लॉ भी ये कहता है, तो इसमें मेरे ख्याल से कोई दो राय है ही नहीं। सलमान अकरम राजा साहब, आपने शर्जील मेमन साहब की गुफ्तगू सुनी और जब ये वाली चीजें सामने आती हैं तो फिर अल्ताफ हुसैन साहब जब कहते हैं कि जी पाकिस्तान में जुडिशियल मार्शल लॉ ना लगाया जाए, जब इस तरह के एकामात आते हैं, सेंसस के बगैर डीलिमिटेशन का कहा जाता है और पूरे मुल्क की बजाय एक शहर में कहा जाता है, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए जी, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो मेरे सामने नहीं है, लेकिन एक महदूद पैमाने पे डीलिमिटेशन का मामला तो कानून में उठाया जा सकता है और हर इलेक्शन से पहले दरखास्तें आती हैं कि जिस हल्के को इस तरह से डीलिमिट किया जाए उसके लिए कानून भी मौजूद है। मिसाल के तौर पे अगर ये नजर आए कि किसी पार्टी के जो मेंबरान हैं, जो वोटर हैं, उनको नाजायज तौर पे बांट दिया गया है मुख्तलिफ हलकों में इसलिए कि किसी भी हल्के से वो पार्टी कामयाब ना हो सके, इसकी सबसे बड़ी मिसाल अमेरिका में मिलती है। 1969 में इलेक्शन से पहले जेरीमैंडरिंग का एक लफ्ज सामने आया, हुआ यूं कि वर्जीनिया में ऐसे हलके बनाए गए जो 2 मील चौड़े और 80 मील लंबे थे और मकसद उनका सिर्फ ये था कि जो स्याह आम आबादी थी उसको इस तरह से बांट दिया जाए कि उनका कोई कैंडिडेट कहीं से भी इलेक्ट ना हो सके। अगर तो किसी इलाके में, किसी शहर में ऐसी सूरत हाल हो, ऐसी मजक्का खेज सूरत हाल हो, तो वहां पे तो डायरेक्शन दी जा सकती है कि इसको आप ठीक कीजिए, ये गलत है।
मुझे नहीं पता सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, क्या उनके सामने कोई ऐसी सूरत हाल आई है जिसके हवाले से उन्होंने कहा है कि ये एक मजाका खेल सूरत हाल है, इसको ठीक करो। अगर तो उन्होंने ये कहा हो कि ऐसी डिलिमिटेशन की जाए कि फलां पार्टी के मेंबरान के वोट पट जाए और वो जीत ना सके और उनकी गिरफ्त शहर पे कमजोर पड़ जाए, तो वो गलत होगा। मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई हुक्म दिया होगा, लेकिन महदूद पैमाने पे डीलिमिटेशन का कानून मौजूद है और हर दफा हर इलेक्शन से पहले दरखास्तें आती हैं कि फलां वार्ड को इधर कर दिया जाए, फलां डिस्ट्रिक्ट को यहां लाइए। ये मामला तो चलता रहता है, ये रूटीन मामला है। बड़े पैमाने पे तब्दीली जो है वो कंट्री वाइड ही होनी चाहिए, सेंसस के बाद होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई बिल्कुल ही मजाका खेज सूरत हाल है तो इंटरवेंशन हो सकती है। शजील मेमन साहब, अगर एक ही घर से 650 वोट रजिस्टर्ड निकले तो उसको आप क्या कहेंगे, ये कोई मजाका खेज सूरत हाल है, फिर भी डिलिमिटेशन होनी चाहिए अगर ये सूरत हाल आए, या नहीं होनी चाहिए? देखिए, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें मैं एग्री करता हूँ कि अगर किसी एक घर पे 600 वोट निकले, लेकिन एक घर से अगर 600 वोट निकले उसका फिर भी डिलिमिटेशन से वास्ता नहीं, उसमें हमें वोटर लिस्टें ठीक करनी है। वो वोटर लिस्टें जो है, अगर वो वोटर लिस्टों का अलग चैप्टर है, डिलिमिटेशन अलग चैप्टर है। वोटर लिस्टों में तो हम भी कहते हैं कि जो है हर एक को वोट देने का इख्तियार है, लेकिन इस बार जो हमने इलेक्शन कमीशन ने सिस्टम बनाया है उसमें इंशाल्लाह इस बार एक शख्स एक ही वोट देगा। इससे पहले माजी में जो है एक शख्स 10-10 वोट देता था पाकिस्तान की मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज में, ये पूरे अक्रॉस पाकिस्तान था, ये भी किसी शहर में नहीं था। यहाँ तक सलमान अकरम आजाद साहब ने एक कमेंट की बात की, ये एक ताजुब वाली बात जरूर थी कि इस केस में कुछ इस तरह के कमेंट्स आए जिसपे हमारे तारी जमात ने भी अपने रिजर्वेशन दी, जिसमें ये कहा गया कि एक जमात की इजारादारी ना हो और एक जमात को ये ना हो। तो देखें, बहुत सारे कोर्ट्स का काम नहीं है कि वो किसी भी पार्टी के खिलाफ या उसके खिलाफ डायरेक्टली इनडायरेक्टली से बात करे। जनरल एक जनरल जो पॉलिसी होनी चाहिए वो पूरे पाकिस्तान में होनी चाहिए। मैं दोबारा कहता हूँ कि डिलिमिटेशन जो 2002 में की गई परवेज मुशरफ और अरबाब गुलाम रहीम के दौर में, उसमें बाकायदा प्रॉब्लम्स थे। हमारी जो दही सिंध की जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं पीपुल्स पार्टी की, उसमें भी बड़े पैमाने पर जो है वो चेंजेस किए गए और गलत किए गए। हमारे पास ऐसी भी एक एमपीए की सीट है जिसके ऊपर 3 MNA हैं और 3 मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के, तो इस तरह की भी जो है कोशिशें की गई पीपुल्स पार्टी को हराने के लिए। वो डिलिमिटेशन होनी चाहिए लेकिन अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए और ये सारी चीजें। अच्छा शजील मेमन साहब, एक मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ, क्या कराची में फसादात करने के लिए कोई नई साजिश तैयार की गई है? देखिए, अगर मुझे ये पता होता कि कराची में कौन फसादात करने की साजिश कर रहा है तो बीइंग अ मेंबर ऑफ द गवर्नमेंट मैं तो फौरी तौर पर गवर्नमेंट को कहता उस पर एक्शन ले। लेकिन ये भी हकीकत है कि फसादात कराने की साजिश यहाँ पे हमेशा से होती रही है और ये भी हकीकत है कि इसमें जो हम बात कहते हैं, फिर हमारे कुछ दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं कि हमेशा गवर्नमेंट जो है वो तीसरी कुत के जान छुड़ाती है। ये मेरी मंतक गलत नहीं है। आप अगर सोचें इसको गौर से कि क्या वजह है कि हमें अपने ही दीन से दूर करने की कोशिश की जा रही है। हमें जुम्मे की नमाज पढ़ने जाएं, हम ईद की नमाज पढ़ने जाएं खौफ से जाएं, हमारा 12 रबीउल अव्वल का जुलूस हो, हमारा आशूरे का जुलूस हो, हमें किसी दरगाह पे जाना हो, किसी मजार पे जाना हो, तो मुसलमान खौफ से जाए। यही वो लोग हैं, वो कुवतें हैं जो कि यहाँ पे इस तरह के चीजें पैदा करना चाहती हैं। यहाँ पे ऑन ग्राउंड लेवल कभी शिया सुन्नी का कोई आपस में तफरका नहीं है, लेकिन जान बुझ कर शिया और सुन्नी की प्रोमिनेंट करके टारगेट किलिंग उनके नामों की शनाख्त से या उनके लाइफस्टाइल की शनाख्त से करना, ये सारी सिर्फ और सिर्फ साजिशें हैं। जो आपका टॉपिक है उसी पे यही है कि हमारे पास जो अनफॉर्चुनेट पोजीशन ये है कि जो मुमालिक नहीं चाहते कि पाकिस्तान तरक्की करे, क्योंकि उनको पता है कि हमारा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह एक एटमी कुवत है, हमारी फौज माशाल्लाह बहुत एक्टिव और बहुत ही दुनिया में मानी हुई फौज है, हमारी सारी एजेंसीज बहुत मानी ग्रामी एजेंसीज हैं, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद वो मुल्क हमें कमजोर करने के लिए आपस में लड़वाने की साजिशें करते हैं और उस साजिशों में कभी कभी एक्सटर्नल डायमेंशन जिसका जनरल कयूम साहब ने प्रोग्राम के शुरू में जिक्र किया था। शजील मेमन साहब और सलमान अकरम राय साहब, आप दोनों का प्रोग्राम में शिरकत का शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पे हम एक वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो इस्लामाबाद स्टूडियो में अपने पैनलिस्ट से जो पॉइंट इन्होंने उठाए थे उस पर गुफ्तगू करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। कोई भी मसला उस वक्त तक हल नहीं हो सकता जब तक उस मसले को हम आइडेंटिफाई ना कर सकें, और इतनी सारी गुफ्तगू हम करते रहते हैं, मैंने सोचा कि आज अपने पैनलिस्ट से उन्हीं की मर्जी के इश्यूज आइडेंटिफाई करके उस पर कम से कम एक डिबेट का आगाज़ करें जो कि हम आगे भी लेके चलते रहेंगे। जनरल कयूम साहब ने
तीन बुनियादी पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए, रूल ऑफ लॉ, बैड इकॉनमी और गवर्नेंस। जिन साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज दो दफ़ा हुकूमत में रही, अगर ये तीनों चीज़ें जो आपने आइडेंटिफाई की ये उसमें भी नहीं, आने वाले इलेक्शंस के लिए आप अपने मैनिफेस्टो में कोई तब्दीली कर रहे हैं कि ये वाले तीन जो इश्यूज हैं आइडेंटिफाई आपने किए हैं, इन तीनों पॉइंट्स को एड्रेस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज कैसे कर सकते हैं? देखिए, कल हमारी मेरे ख्याल में ये सीरीज में नवाज शरीफ साहब की सदारत में तीसरी मीटिंग थी और सुबह 11 बजे से शाम के 5 बजे तक इकानोमी पे डिलिब्रेशन होती रही। बहुत सी मुख्तलिफ छोटी टीमें बनी हैं जो बता रही हैं कि क्या करें। इट्स ए नाइटमेयर जब आप ये देखते हैं कि आपके 13 से 14 हज़ार अरब रुपए के आप मकरूज हैं और जब आप ये देखते हैं कि आपकी डेट फाइनेंसिंग 1,000 अरब रुपए है और आपका बजट डेफिसिट है, तो आप ओवर ए नाइट, और आप डैम नहीं बनने दे रहे, एनर्जी को आगे कोई हल नहीं है, नथिंग इज इन साइट, तो हुकूमतें तो जो आएंगी वो ओवर ए नाइट तो कुछ नहीं कर सकती। तो मैं आपको अश्योर करता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग पूरी एफर्ट के साथ हर सब्जेक्ट के ऊपर, ये मिलिटेंसी, टेररिज्म, फॉरेन पॉलिसी, आपकी डिफेंस के ऊपर क्या होगा, इकानोमी, एनर्जी, हर चीज़ के ऊपर सब कमेटीज़ बनी हुई हैं और उनके ऊपर डिलिब्रेशन हो रही हैं और बाई द एंड ऑफ दिस मंथ इंशाल्लाह वो मैनिफेस्टो सामने आएगा। लेकिन उसमें जो मैं बात कर रहा था कि रूल ऑफ लॉ, गवर्नेंस, मैरिट, ये टॉप पे होनी बड़ी जरूरी है और ये रियलाइजेशन है। उस मैनिफेस्टो में आपने सजेस्ट किया कि ये टॉप पे है? जी जी, ऑफ कोर्स हम जो अपनी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं उसके ऊपर, और मैं आपको एक पाकिस्तानी की हैसियत से बिल्कुल यकीन से बताता हूं कि हमारी बड़ी ओपन रूल ऑफ लॉ को टॉप पे लाने के लिए क्या कोई दो या तीन स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस आप बता देंगे जो आप मैनिफेस्टो में शामिल कर रहे हैं? देखिए, रूल ऑफ लॉ मकसद ये है कि आप आईन की प्रोविजंस हैं आपके पास, उन पे आपको अमल करना है, उनकी बेस करके आप जब अपनी कानून बनाते हैं, आप कहते हैं कि हर किसी को तालीम फॉर एग्जाम्पल हमने देनी है, मेरिट के ऊपर हमने काम करना है, दयानतदारी से आगे चलना है, तो इन चीजों को आपने, अगर पुलिस को पॉलिटिसाइज हमने किया हुआ है, आईन की जेल साहब आपने बात की कि उसके सारी शिकों पे अमल दरामद करना है, जब उन लोगों का जिक्र आता है जो पाकिस्तान के आईन को ही नहीं मानते, उनके हवाले से आपकी पॉलिसी में बजाहिर एक कंफ्यूजन नजर आता है। देखें, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको ये सारे इरिटेंट्स को सामना करना पड़ेगा, किसी भी पार्टी को करना पड़ेगा, और अगर हमने इस मुल्क में रहना है जहाँ हमारे प्रोविंसेस हैं, मुख्तलिफ लोग ज़बानें बोलते हैं, हमारा जो आपस में जेल करने वाली बात है वो हमारा मजहब है, हमारा ईमान है, हमारा इस्लाम के ऊपर यकीन है, जिसने हमें सबको जोड़ा हुआ है, तो हम ये समझते हैं कि हम पाकिस्तानी कौम को अल्लाह के करम से, जिसके अंदर इतना ज़्यादा पोटेंशियल है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा रेजिलियंस है, हम समझते हैं कि अगर आप ऊपर सिर्फ करप्शन फ्री एक गवर्नमेंट ले आए तो उस वक्त ही आपका एक मेजर पोर्शन ऑफ दी प्रॉब्लम्स डाउन हो जाता है और उसके बाद फिर इट ट्रिकल्स डाउन आपकी लीडरशिप के ऊपर, लोगों का कॉन्फिडेंस। वो भी हम चिराग लेके ढूंढेंगे, करप्शन फ्री टॉप लेवल मैनेजमेंट। इम्तियाज गुल साहब, पाकिस्तान बिफोर एंड आफ्टर उसामा, उसामा से पहले का पाकिस्तान और उसामा के बाद का पाकिस्तान, ये आपकी नई किताब आई है और आपने भी रूल ऑफ लॉ को आइडेंटिफाई किया। उसामा से पहले पाकिस्तान जो था उसमें भी रूल ऑफ लॉ था और उसके बाद भी रूल ऑफ लॉ नजर आता है आपको, नहीं आता, और इसको किस तरह से इंप्लीमेंट, इंश्योर कैसे किया जा सकता है, क्या चीज़ हमें तब्दील करनी होगी, क्या स्पेसिफिक मेजर्स लेने होंगे? सबसे पहले तो मेरा ख्याल है जो हुकूमत की तरफ से मुदाखलत होती है मुख्तलिफ इदारों में, मतलब पुलिस जिस अंदाज में इस्तेमाल होती है, सियासी हुक्मरानों जिस तरह उसको इस्तेमाल करते हैं, वो ख़त्म होना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी में अगर उसके जो इकदाम हैं उसमें सियासी मुदाखलत ख़त्म होनी चाहिए। अदलिया जो फैसले करती है उनका उन पर अमल दरामद होना चाहिए, न कि उन पर अमल दरामद रोकने के लिए उनको कोशिश करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर बहस हो रही है कि इस मुल्क में हुक्मरानी का हक सिर्फ मुंतखब नुमाइंदों को है और कानून भी वही बना सकते हैं, देखिए जो लोग बोगस वोटों की बुनियाद पर मुंतखब होकर आते हैं, आप उनको एक कुल्ली तौर पर यह हक नहीं दे सकते हैं कि वो सब वो कहें कि कानून बनाना और उसकी तशरीह करना हमारा काम है। अगर अदलिया में एक फुल बेंच होता है, 7-8 जज मिल के कोई फैसला करते हैं, तो फिर अब पार्लियामान को चाहिए कि उस पर अमल दरामद को यकीन बनाए, ना कि उसका मजाक उड़ाएं।
और तो वो ये भी कहें कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इन पे एप्लीकेबल है, इन पे एप्लीकेबल तो नहीं उसमें है। बुनियादी तौर पे ये जो डीलिमिटेशंस किया नए हलके, नई हलका बंदियां वगैरह, ड्यूल नेशनैलिटी या ड्यूल नेशनैलिटी जो बुनियादी पाकिस्तान के मसाइल हैं, इस पे जब तक अमल दरामद नहीं होगा, जब तक मेरिट को तरजीह नहीं दी जाएगी, जब तक मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेसी के मुख्तलिफ कामों में मुदाखलत बंद नहीं होगी, उस वक्त तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा। चाहे वो हुक्मरान जमात का है, चाहे अपोजिशन जमात का है, अगर उसके खिलाफ अदालत ने और या ब्यूरोक्रेसी ने या पुलिस ने कोई फैसला किया है, उसमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। ये दुनिया भर में हुआ है, अगर सदर ओबामा के खिलाफ कोई केस आता है तो उसमें कोई मुदाखलत नहीं होती, सदर ओबामा खुद जाके जिस तरह क्लिंटन ने किया था, उसने खुद अदालत में जाके उसका। ये तो एक इंप्लीमेंटेशन ऑफ द कोर्ट डायरेक्टिव्स हो गई जो रूल ऑफ लॉ का एक हिस्सा है। साथ आपने जिक्र किया सियासी मुदाखलत का, लेकिन जब हम सियासत की क्लासिकल डेफिनेशन देखते हैं तो सियासत तो नाम ही पावर का होता है और उसके इस्तेमाल का होता है, और जब पुलिस होगी, ब्यूरोक्रेसी होगी, जब तक आप उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे अपने तरीके से जब आप हुकूमत में आए हैं, तो फिर वो सियासत तो ना हुई। नहीं, वो तो फिर वही जो रिवायती मुआशरे थे जिसको तरक्की पजीर ममालिक कहा जाता था, जहाँ पे आमराना निज़ाम होते थे, जहाँ पे एहतसाब नहीं होता था, फिर उसको आप जमहूरियत नहीं कह सकते। जमहूरियत वो है जहाँ पे जो आवाम का वोट लेके आता है, एक वो एक अमानत होती है। ये उस वोट को अमानत समझ के जब तक इस्तेमाल नहीं करेंगे, उस वक्त तक वो खुद भी कानून का एहतराम नहीं करेंगे। ये लोग आवाम, गरीब आदमी का वोट लेके आते हैं, उस वोट को वो अपने प्रिविलेजेस के लिए, अपनी मुराद के लिए, तो फिर उन्हीं को वोट देते हैं ना बार-बार। अब लोग देखें अरशद, कैसे तब्दीली कैसे आएगी इस रूल ऑफ लॉ का जिसकी आप बात कर रहे हैं, इतनी इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें वोट का भी एक अमल दरामद है, सियासत का भी है, वो तब्दीली कैसे आएगी? तब्दीली जहनों में आएगी, तब्दीली आएगी इंफॉर्मेशन के जरिए, तब्दीली आएगी बहस मुबाहसे के जरिए। और जो इस वक्त पाकिस्तान का मुआशरा जिन हालात से गुजर रहा है, लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं अदलिया का भी, कई फैसलों को मुतनाज़ करार देते हैं, हैं मुतनाज़ तर्ज अमल भी है उनका, लेकिन मेरा ख्याल है कि तवील उलमायाद नुक्ते नज़र से जो कुछ मीडिया में हो रहा है, जितना बहस मुबाहसा, जो कुछ अदलिया कर रही है, इससे मेरे अपने ख्याल में एक नए पाकिस्तान की बुनियाद पड़ रही है कि इसके जरिए कुछ ना कुछ नए चेक्स जो आ रहे हैं। पहले चेक करती थी फौज के जरिए बहुत ज़्यादा बिगाड़ा, लेकिन जो चेक्स अदलिया कर रही है, जो अदालत वज़ीर आज़म के या सदर के या वज़ीर आला के इख्तियारात पर जो कदगन लगा रही है, इससे मुआशरे में बिगाड़ नहीं आएगा, बेहतरी जरूर आएगी। ये जो पॉलिटिक्स की हम बात करते हैं, देखिए पॉलिटिक्स भी विदाउट एथिक्स एंड मॉरल्स नहीं है, पॉलिटिक्स के अपने असूल हैं ना। तो अगर जब हम पॉलिटिक्स करना चाहते हैं और जमहूरी निज़ाम चाहते हैं, तो फिर हम वो ही चीज़ तो सिर्फ ये नहीं कह सकते जो मेरे फायदे में है वो ठीक है, जो मेरे फायदे में वो ठीक नहीं है। आप एग्जाम्पल्स लें कि जेली डिग्री वाला बंदा नेशनल असेंबली में बैठा होता है, वो पकड़ा जाता है, उसको निकालते हैं, वो दोबारा वोट लेके तो फिर दोबारा आ जाता है, और पार्टी उसको टिकट दे, थप्पड़ ये है, और पार्टी उसको टिकट देती है। अभी ड्यूअल नेशनैलिटी वाले बंदे आज सुप्रीम कोर्ट हटाती है, वेयर आर मॉरल्स? ये इखलाकियात का एक बिल्कुल डिजास्टर। इम्तियाज गुल साहब, आपने तो कोर्स भी एनालाइज किए हैं जो हमें पहली से दसवीं तक पढ़ाए जाते हैं, उसमें इखलाकियात कहीं शामिल होता है? देखिए सियासत में बुनियादी तौर पर या बैन अक्वामी डिप्लोमेसी में इम्तियाज गुल साहब, इखलाकियात का ना सियासत में होती है ना डिप्लोमेसी में होती है। जल कयूम साहब, इम्तियाज गुल साहब, आप दोनों का प्रोग्राम में शिरकत का शुक्रिया। नाज़रीन, बात खत्म हुई इखलाकियात पे, बहुत कंट्रोवर्शियल और डिबेटेबल चीज़ है, लेकिन कम अज़ कम जैसे इम्तियाज गुल साहब कह रहे हैं, सियासत और सफारतकारी में इखलाकियात नाम की कोई चीज़ नहीं होती। आपने वोट का हक इस्तेमाल करना है और सोच समझ के करना है, तब्दीली सिर्फ उससे आएगी। इजाज़त दीजिएगा नाज़रीन।